तो ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। सो आज हम फिर से आएंगे बोरूटो की तरफ, और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोरूटो एपिसोड नंबर 231, जो कि यार एक हफ्ता डिलेड हुआ था, बट फाइनली वो आ चुका है एंड लेट एक्सप्लेन इट। सुबाकी अपने पहले दिन याद करती है जिसमें वो एक समुराई से लड़ रही थी और बार बार हार रही थी, बट हार मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। देन वो समुराई जिसका नाम सजांका होता है, वो कहता है कि अभी ट्रेनिंग का वक्त खत्म हुआ। देन सुबाकी कहती है कि क्या मैं तुम्हारी तरह कभी स्ट्रांग बन पाऊंगी सजांका। सजांका उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगी तो जरूर तुम मेरी तरह बन पाओगी। देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें वसाबी एंड नामिडा हॉस्पिटल में एक शख्स के पास आते हैं जिस पर किसी ने जंगल में अटैक किया था। देन सुबाकी के साथ उनका यह कहना होता है कि चलिए इससे कुछ सवाल जवाब करते हैं कि उन पर अटैक करने वाले लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था। एंड देन वो उस शख्स के पास जाकर उससे पूछने लगते हैं कि तुम पर अटैक करने वाले लोग कौन थे। बट उसी दौरान जब उस आदमी को समुराय दिखती है, सुबाकी दिखती है, तो वो उसे देखकर बहुत ही डर जाता है एंड एक साइड को नीचे गिर जाता है और कहता है कि मुझे बचाओ, वापस एक समुराई। वो सुबाकी की स्वॉर्ड को देखकर डर जाता है और कहता है कि फिर से एक समुराई मेरे पीछे पड़ गया, प्लीज मुझे बचा लो इससे। देन उसे छोड़कर वो एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर ये अटैक्स हुए थे, और वहाँ पर जो सुबाकी होती है उसे बैम्बूज कटे हुए मिलते हैं। इसे देखकर उसे कुछ याद आता है कि सजांका लैंड ऑफ आयरन में जब प्रैक्टिस करता था तो वो बिल्कुल इसी तरह से बैम्बू को काटता था, एंड ये सब सुबाकी नोटिस करती थी। एंड देन वो उससे मिलकर कहती थी कि तुम बहुत पावरफुल हो, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कुरोसावा तुम्हारी ही होगी। बेसिकली कुरोसावा एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है जो स्वॉर्डमैनशिप टूर्नामेंट जीतने वाले को मिलेगी जब लॉर्ड मेफ्यून रिटायर होंगे। मीन्स वो स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल थी। एंड सुबाकी कहती है कि सजांका तुम्हारे अलावा इस स्वॉर्ड के कोई भी काबिल नहीं है, एंड ये तारीफें सुनकर सजांका को भी अच्छा लगता था। वेल बैक टू द प्रेजेंट, सुबाकी को लगता है कि वो श्योर हो जाती है कि ये सब जो किया है वो सजांका ने ही किया है। वो सुमिरे और नामिडे को ये सब बताती है कि सजांका जो कि मेरे मास्टर का प्यूपिल है उसने ही ये सब किया है एंड वो बहुत पावरफुल है, एंड लॉर्ड मिफ्यून के बाद वो ही सबसे काबिल समुराई था हमारे विलेज में। बट एक दिन वो पागल सा हो गया, उसने उस स्वॉर्ड की चिंता छोड़ दी और अपने आसपास के सारे लोगों को उसने मार गिराया, पता नहीं क्यों। अब सुबह की रात में प्रैक्टिस करने लगती है सजांका को लड़ने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे उनका मिशन होता है सजांका को ढूंढ कर उसे मार गिराना। सो देन सुबाकी की टीम निकल पड़ती है लीफ विलेज के बाहर सजांका को ढूंढने के लिए। तभी सुबाकी थोड़ी सी नर्वस होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो सजांका को कैसे मार पाएगी। देन वो एक जंगल में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो कि एक इंसान से पैसे मांग रहे थे और कहते हैं नहीं दिए तो तुम्हें मार दूंगा। बट एट दैट सेम टाइम सुबाकी की टीम उन सारे लोगों को मार गिराती है और एक एक करके वो सारे गुंडे हार मान लेते हैं, बट उनमें से एक कहता है कि इसे सिचुएशन के लिए हमने एक बंदे को भाड़े से लिया था। एंड देन हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं सजांका होता है। सजांका सुबाकी को देखकर हैरान होता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम मिल ही गए। सुबाकी भी कहती है कि मुझे तुम्हें आखिर मार गिराना ही होगा, तुम कितने बदल चुके हो, पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। वेल सजांका सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़ा था जो कि है स्ट्रेंथ, और वो कहता है कि मैंने एक गलती कर दी जो कि है मैंने तुम्हें नहीं मारा था तब, उसी गलती को मैं तुम्हें मारकर पूरा करूंगा। जिसके बाद सजांका बड़ी तेजी से गुस्से में आगे आता है एंड सुबाकी के ऊपर अटैक करता है। सुबाकी भी उस अटैक्स को डॉज करने की ट्राई करती है, बट सजांका इतना पावरफुल एंड इतना स्पीडी होता है कि जो सुबाकी होती है उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाती। बाद में सुबाकी को अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग निकलना ही पड़ता है। जंगल के एक साइड में आकर बैठ जाते हैं जहां पर सुबाकी कहती है कि मैं सजांका को नहीं मार सकती बिकॉज ही इज वेरी पावरफुल एंड सजांका इतना रोग समुराई हो गया है, इट इज बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से ही हुआ है सब। देन वो एक्सप्लेन करती है कि जब एक बार हम दोनों मैच खेल रहे थे तो उस टाइम मैं बहुत थक चुकी थी और सजांका मुझसे कह रहा था कि हार मान जाओ सुबाकी, तुम मुझसे हार जाओगी, बट मैं हार नहीं मान रही थी। एट लास्ट एक फाइनल मूव देने के बाद जो सजांका है वो सुबाकी से हार जाता है, जिसके वजह से उसकी वहां पर पूरी इज्जत चली जाती है एंड वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसी दिन से उसका बर्ताव बदलना चालू हो गया एंड देन वो कहती है कि उस एक मैच के वजह से ये पूरा चेंज हो गया और ये मेरा ही फॉल्ट है। उसके दोस्त दिन उसके ऊपर टोकनजुत्सु का इस्तेमाल करते हैं एंड देन कहते हैं कि सुबाकी तुम बहुत स्ट्रांग हो, पावरफुल हो एंड तुम सजांका को आसानी से हरा दोगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो बुरे लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या हो गया, अब लैंड ऑफ फायर भी हमारे काम के बीच में टांग अड़ाने लगा। उसके बाद सजांका कहता है कि बस हो गया, मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए जो मेरे लिए पैसों से भी ज़्यादा मायने रखती है। देन नामिडे अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके उन सारे लोगों को दूर फेंक देती है। तभी एक बंदा कहता है कि यार ये कुत्ते फिर से आ गए। सुबाकी दिन सजांका के सामने आती है और उससे कहती है कि बहुत हो गया, मेरा यही काम है कि मुझे तुम्हें गिराना है, मार कर, काट कर, फोड़ कर। अरे तू
सजांग का कहता है कि तुम मेरे स्किल्स के आगे कुछ नहीं हो, तुम एक पीसफुल सराउंडिंग में रहती हो और तुम कहती हो कि तुम्हारे स्किल्स मेरे जितने होगे, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती, मैंने लोगों को मार मार कर मेरे स्किल्स को बढ़ाया है और तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। लोगों को मार कर मैंने इतनी पावर गेन की है कि मुझे अब उस कुरासावा स्वॉर्ड की भी कोई जरूरत नहीं है। सडनली सजांग का सुबाकी पर अटैक करता है एंड सुबाकी उस अटैक को डॉज करती है। वापस से अटैक करने के बाद वापस से सुबाकी उसे डॉज करती है और कहती है कि ये तो बहुत ही फास्ट है। सुबाकी स्नो स्टॉर्म स्लैश का इस्तेमाल करती है और वहां पर बवंडर आ जाता है, बट जो सजांग का होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, वो अपने स्वॉर्ड से उसको भी तोड़ देता है। अब सजांग का पर ये मूव काम नहीं आया देखकर सुबाकी बहुत ही हैरान हो जाती है। सजांग का कंटिन्यूअसली सुबाकी पर अटैक कर रहा होता है। एट लास्ट सुबाकी कहती है कि मैं हार गई, बट सजांग का कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा। सुबाकी कहती है कि मैं तुम्हारे सामने झुक गई, ये सुनकर सजांग का खुश होता है, बट देन वो कहती है अगर मैंने ये वर्ड्स तुम्हारे सामने कह दिए तो क्या फायदा मेरा, मैंने मेरे दोस्तों से वादा किया है कि मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगी। तभी सुबह की टोकनोजुत्सु का इस्तेमाल करती है जिससे गुस्सा आकर सजांग का सुबह की के ऊपर अटैक करता है, बट रैपिड अटैक के बाद सुबह की भी आगे बढ़ती है एंड सजांग का गेम ओवर। वेल सजांगा के मरने का दर्द सुबाकी को भी होता है क्योंकि सुबाकी उसे पहले से जानती थी एंड वेल सजांगा पहले से ऐसा नहीं था, उसे उसके पावर के लालच ने ऐसा बनाया था, अब क्या फायदा वो मर चुका है। मिशन खत्म होने के बाद वो तीनों विलेज आते हैं जिसके बाद सुबाकी कहती है उन दोनों से कि मुझे और भी रिस्पेक्ट चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ तुम दोनों से। उसके बाद वसा भी कहती है कि हाँ मैं तुमको बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ। रिस्पेक्ट के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना एंड अगला वीडियो अगले संडे को ही आएगा, तब तक के लिए वेट करना होगा। अगर आपको कोई एनिमे पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो भी हम इस चैनल पर कवर करने की ट्राई करेंगे एंड अब से मैं रेगुलर रहूँगा। चलो बाय बाय।